सब महिलाओं को लगता है कि मारला तो बोला है ना। कहते राम सिंह का एक कोई महल था, उस महल के जस्ट पीछे सूर्यमल जी का घर था। तो राम सिंह की कोई एक शादी भी, नई नई शादी भी, वो जो रानी थी वो उस महल के अंदर रहने लगे। तो रानी ने एक दिन नोटिस किया कि सूर्यमल जी अपने घर पर खड़े हुए, सुबह सुबह उठे अपने घर की छत पे गए और छत पे जाके उन्होंने जल चढ़ाया सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान जल चढ़ाते और जल चढ़ा के जोर जोर से कहा कि सूर्य भगवान मैं चाहता हूं कि आज शाम से पहले पहले मुझे राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिल जाए। तो उस रानी ने कान लगाई कि ये मेरे पति के बारे में से क्या बात कर रहा है। अगले दिन उसने वापस नोटिस किया, सूर्यमल जी फिर जोर जोर से बोल रहे हैं कि हे सूर्य भगवान मैं चाहता हूं कि मेरे राजा राम सिंह की लाश मुझे शाम से पहले पहले घोड़े के पैरों में मिले। रानी को लगा ये जोरदार आदमी है, डेली अपने पति के मरने की दुआएं मांगता है। दो तीन दिन बाद मेरे दिन राजा जब रानी के महल में आया तो रानी ने राजा को कहा कि ये जो अपना पड़ोसी है पीछे कौन है। अरे कहा मेरे खास दोस्त है, मैं बताना भूल गया, ये अपने राज कवि सूर्यमल जी मिशन है और बहुत भले आदमी है, मेरे सज्जन प्रिय आदमी एकदम। और रानी ने कहा कि जब ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें दुश्मनों की आवश्यकता तो, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो। और वैसे भी सब महिलाओं को लगता है कि मारला तो बोला है ना, ये मेरे कभी नहीं समझ में आया। एक महिला ये नहीं कहे कि मेरे पति चंट है, ना मारला तो बोला है, सबको लगता ही है। तो उसको ही लगा कि भाई मेरे वाले तो क्या है बोल। तो राम सिंह का हुआ क्या बात का, अरे ये मरने की दुआएं मांगता ना, ना ना हो ही नहीं सकता, सूर्यमल जी और मेरे मरने की दुआएं मांगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अरे मैंने खुद सुना है। क्या सुना तूने? कि सुबह सुबह डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और तब कहते हैं कि हे सूर्य भगवान आज शाम से पहले पहले राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिल जाए। और राम सिंह राजी, राम सिंह का ये होता है सच्चा दोस्त। रानी तुम इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब कवि चाहता है कि मैं युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाऊं। किस में लड़ता हुआ मारा जाऊं? और पहले यह माना जाता था कि यदि कोई युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता तो उनको स्वर्ग मिलता है, जो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं उनको क्या मिलता है। तो कवि सुबह सुबह दुआ मांगता है कि मुझे स्वर्ग मिले, घोड़े के पैरों में लाश तभी मिलेगी जब युद्ध लड़ेंगे। तो युद्ध में आप घोड़े पे चढ़ के लड़ रहे थे, तलवार लगी तो घोड़े के पैरों में मिलोगे बाद में, तो कवि यह चाहता है। तो इस बात के लिए तो सूर्यमल जी को सम्मानित करना पड़ेगा। थैंक यू रानी, तूने इतनी अच्छी बात बताई। रानी सोचा कि मारला साची बोला है क्या कमी तो उसने कहा ठीक है, ऐसा ही तुम्हारा दोस्त, ऐसे ही तुम हो अपने। चलो।